बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड टू सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कबुक पेज नंबर 25 एंड 26। पंक्चुएशन, जब बेटा आप लोग अपना 25 पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन है क्या? जब भी आप कोई लेसन रीड करते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आप उसके लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि बेटा कोई भी सेंटेंस है वो आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से। अगर कोई नाउन है तो उसको आप हमेशा, प्रॉपर नाउन है तो उसे आप हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कुछ इस तरह के साइंस हम अपनी सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, कहीं पर कॉमा, कहीं पर फुल स्टॉप, कहीं पर क्वेश्चन मार्क और डिफरेंट साइंस हैं। ये तमाम साइंस जो हैं ये क्या कहलाते हैं? पंक्चुएशन कहलाते हैं। कि जुमले के लिहाज से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हुए वी विल पुट देयर फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। इफ़ योर सेंटेंस इज सिंपल देन वी विल मेंशन देयर ओनली फुल स्टॉप, एंड इफ़ एनीथिंग इज आस्किंग इन योर सेंटेंस देन वी विल मार्क क्वेश्चन मार्क देयर। अगर तो सिंपल जुमला है, सादा जुमला है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करेंगे, लेकिन अगर जुमले में कुछ पूछा जा रहा है तो उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। आपकी बुक में देखें एक्सरसाइज है, पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच टेलिंग एंड आस्किंग सेंटेंसेस। अगर तो कुछ बताया जा रहा है, टेलिंग सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप मार्क करेंगे, अगर आस्किंग सेंटेंस है, कुछ पूछा जा रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। डज द स्नेक बाइट, क्या सांप काटता है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। इट इज़ गेटिंग टू हॉट, सिंपल सेंटेंस है, कुछ नहीं पूछा जा रहा, बताया जा रहा है कि ये बहुत गर्म है, फुल स्टॉप मार्क करेंगे। माई मग हैज़ हैप्पी फेस ऑन इट, मेरे मग पे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप मार्क करेंगे। कैन यू स्विम वेल, क्या आप अच्छा तैर सकते हैं, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। व्हेन इज योर बर्थडे, पूछा जा रहा है कि आपकी बर्थडे कब है, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। द ट्रेन इज एट द स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर है, सिंपल जुमला है, फुल स्टॉप मार्क करेंगे। वेयर इज द लिटिल शीप, छोटी भेड़ कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा जा रहा है। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है, फुल स्टॉप मार्क करेंगे। यूज़ कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड। अब नीचे कुछ सेंटेंसेज हैं, आपने बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे कैपिटल लेटर स्टार्ट होगा आप मुझे बताएं। यस, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में हम इसके फुल स्टॉप मार्क करेंगे ऐसे। द रेड कप इज बिग, आखिर में देखें फुल स्टॉप है। मम्मी एंड आई आर गोइंग टू द पार्क, लास्ट में फुल स्टॉप मार्क है, मम्मी का जो पहला एम है कैपिटल लेटर है। The boys at the nurse, capital letter first, last में full stop. Don't shut the gate, first letter capital, आखिर में full stop. The fox has my head, first letter capital, last में full stop mark. उम्मीद है बेटा आपको इस punctuation की समझ आई होगी। इसमें तीन बातें बताई गई हैं, first letter should be capital. If your sentence is telling sentence, then we will mark फुल स्टॉप देयर, एंड इफ इट इज आस्किंग सेंटेंसेज देन यू विल मार्क क्वेश्चन मार्क देयर। अब देखें इज और आर, इज सिंगुलर पर्सन, अगर तो सेंटेंस में किसी एक लड़की का, एक लड़के का, किसी एक एनिमल का, किसी भी एक सिंगल चीज का बताया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम वहाँ क्या मार्क करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा लड़के हैं, लड़कियां हैं, चीज़ें हैं, जानवर हैं, वट एवर कुछ भी है, तो प्लूरल के लिए हम हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखें आपकी बुक में है, वी यूज़ इज़ फॉर वन पर्सन और थिंग, जैसा कि पिज़्ज़ा दिखाया हुआ है, पैन में पड़ा हुआ है, द पिज़्ज़ा इज़ इन द पैन, पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है तो पिज़्ज़ा इज़ इन द पैन। नेक्स्ट देखें, थ्री एग्स नज़र आ रहे हैं, वी यूज़ आर फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, आर को हम मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं या शख्स हैं तो उनके लिए, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे थ्री एग्स नज़र आ रहे हैं,
तो सेंटेंस लिखा हुआ है द एग्स आर स्मॉल, अंडे छोटे हैं। इज हमारे सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और आर हमारे प्लूरल के लिए। यूज ऑफ दिस इज एंड आर, इज फॉर सिंगल एंड आर फॉर प्लूरल। चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहां पे देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप पपी इज और ब्रैकेट में आर भी लिखा हुआ है, लेकिन आपने देखना है कि अगर आपका सेंटेंस में किस चीज का जिक्र है, सिंगुलर का है तो आप इज यूज करेंगे, अगर उसमें प्लूरल का जिक्र है तो आप आर यूज करेंगे। अ पपी, अ बेबी डॉग, इज भी है और आर भी है, तो राइट वर्ड क्या होगा इसका? पपी सिंगुलर है, इज। अ पपी इज अ बेबी डॉग। द ब्लैक क्रो इज या आर नॉट गुड। ब्लैक क्रो, काला कौवा, एक ही कौवे का जिक्र है तो यहां पे क्या मार्क होगा? इज। द ब्लैक क्रो इज नॉट गुड। द गर्ल्स, अब ज्यादा लड़कियों का जिक्र है, लड़कियां। द गर्ल्स प्लेइंग इन द क्लास, गर्ल्स इनकी ज्यादा है, प्लूरल है, तो क्या हम यूज करेंगे इसके लिए हेल्पिंग वर्ड? आर। एन एलिफेंट अ बिग एनिमल, एलिफेंट एक हाथी का जिक्र है, सिंगुलर का जिक्र है, तो हम क्या मार्क करेंगे हेल्पिंग वर्ब यहां पे? इज। द बर्ड्स चिरपिंग, द बर्ड्स इज या द बर्ड्स आर, बर्ड्स प्लूरल हैं, एक से ज्यादा परिंदे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? आर। उम्मीद है बेटा आप लोगों को यूज ऑफ इज और आर की समझ आई होगी, और आप लोगों ने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह निगहबान।